हो रही है प्रेम कहानी, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मर गए दम। ये कहानी है एक ऐसे फनकार की जिनकी आवाज ने लेट 80s और 90 के दशक में हर तरफ तहलका मचा दिया था। इनकी गायकी तड़पते दिलों की आह जैसी थी, जो तपते रेत पर सावन की फुहार लगती। सावन का महीना आया है कटा से, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मोहम्मद रफी के निधन के बाद जब संगीत के कद्रदानों को उनके जैसी किसी मेलोडियस वॉयस की तलाश थी, उस वक्त इन्होंने अपनी गायकी से लोगों पर जादू कर दिया और काफी हद तक उस जगह को भरने का काम किया। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। ये एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन की आवाज बने, तो वहीं उस दौर के दूसरे सुपरस्टार गोविंदा की शख्सियत पर भी छा गए। तू मुझे भूल, मैं तुझे भूल, इस बात का कसम खुदा की यही कहूंगा, तुम्हारे बिन मैं न जी सकूं। इतना ही नहीं, इन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े स्टार्स के लिए प्लेबैक किया और इनके गाने तब हर चौक चौबारे, गली मोहल्ले, शादी पार्टियों की जान बन गए। जन्नत की बहारों के न परियों के मुस्कुराने से, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी करता हूँ। प्यार के नगमों के साथ साथ इन्होंने गमों के इतने तराने गाए कि टूटे हुए आशिक दिलों की आवाज बन गए। जब तक रहेगी अंबर, जब तक रहेगा तुझे से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80 और 90 के दशक में सैकड़ों सुपरहिट गीत गाने वाले इस बेशकीमती गायक को वो रिस्पेक्ट ही नसीब नहीं हुई जिसके ये हकदार थे, और कुछ वजहों से फिल्म इंडस्ट्री ने इनसे इनकी गायकी ही छीन ली। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना। क्या आप मानेंगे कि इतने बड़े कलाकार को कभी किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं बुलाया जाता और ना ही इन्हें इसकी कुछ वजह बताई जाती? नाम सारे मुझे भूल जाने लगे वक्त पे। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने दिल में इस उपेक्षा का दर्द और निराशा लिए जब ये इस दुनिया से चल बसे, तो बेरहम बॉलीवुड के सो कॉल्ड दिग्गजों और सुपरस्टार्स ने एक ट्वीट तक नहीं किया और ना ही इनके अंतिम संस्कार में जाकर इनके परिवार की सुध ली? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो क्यों इतने टैलेंटेड सिंगर और एक गरीब परिवार के इस सीधे साधे कलाकार के साथ इस कदर दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया और इन्हें किसके गुनाहों की सजा दी गई? तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। बताएंगे आज इनकी जिंदगी की वो तमाम कहानियाँ जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज जिस शख्स की कहानी हम बयां कर रहे हैं वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने टैलेंटेड सिंगर मोहम्मद अजीज। आज कल याद कुछ और रहता नहीं। ये लेट 80s और 90s किड्स ही समझते होंगे कि वाकई इनकी आवाज सुनकर कुछ और याद ही नहीं रहता था और जमा दिल बेकरार हो उठते थे। तू भी बेपरार, मैं भी बेपरार, तू भी बेपरार।
तो वहीं इन्होंने दर्जनों ऐसे भजनों को भी आवाज दी जिन्हें आज भी हम सब के घरों में सुना जाता है। मंगल को जन्म मंगल ही करते मंगल में भगवान। चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा। चलो आज ख्वाजा का वीरा व्यथा से व्यथित द्रवित हो। साथ ही कई कव्वालियों को भी अजीज ने बेहद खूबसूरती से गाया जिन्हें काफी पसंद किया गया। मैंने हनुमान चालीसा से लेकर तुलसी दास की चौपाइयां कबीर दास के दोहे आपको वो याद होगा जय हनुमान सीरियल रामायण इन सब में मेरी आवाज़ है और मैंने कवालियाँ बेहिसाब गाई हैं। मुस्लिम डिवोशनल एल्बम किए हैं 110। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि इन्हें बेवफा बॉलीवुड ने कभी अपना नहीं माना और कुछ वक्त बाद फिल्म मेकर्स ने इन्हें गाना देना भी बंद कर दिया। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो। और ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने करण जौहर का बायकॉट कर दिया। दोस्तों मुझे भी बचपन में ऐसा लगता था कि मोहम्मद अजीज साहब मोहम्मद रफी साहब के ही बेटे हैं, क्योंकि एक तो दोनों का नाम काफी मिलता जुलता था और दूसरा इनकी आवाज भी काफी हद तक मोहम्मद रफी साहब से मिलती थी, क्योंकि उस समय कोई गूगल जैसा सर्च इंजन भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा जरिया जिससे कि लोग इस बारे में पता लगा सकें। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो ये पता चला कि भले ही ये मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे नहीं हैं लेकिन उन्हीं को अपना इंस्पिरेशन और गुरु मानते थे। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। मोहम्मद अजीज की गायकी में वो सब कुछ था जिसकी जरूरत एक प्लेबैक सिंगर की आवाज में होती है। वॉइस क्वालिटी, बुलंद और मिठास लिए आवाज, ऊंचे सुर लगाना, ठहराव और दर्द, बेताब कर देने वाली कशिश और ढेर सारा रोमांस। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया। जानकार बताते हैं कि ये तमाम खूबियां उस दौर में किसी और गायक की आवाज में नहीं थी, खासकर जिन गायकों का उदय रफी साहब के चले जाने के बाद उनकी जगह तलाश रही थी। हालांकि इनमें शब्बीर कुमार, अनवर और कुछ दूसरे गायकों को भी गाने मिल रहे थे और वो भी अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन जो खासियत मोहम्मद अजीज की आवाज में थी वो किसी और में नहीं दिख रही थी। मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता के गुमा में हुआ था। इनका पूरा नाम सईद मोहम्मद अजीज उन नबी था और घर में लोग प्यार से इन्हें मुन्ना बुलाते थे। शुरुआत के इनके गानों के क्रेडिट में भी इनका नाम मुन्ना लिखा हुआ ही मिलता है। मोहम्मद अजीज के पेरेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने कोलकाता में ही म्यूजिक और सिंगिंग की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली। मोहम्मद अजीज को बचपन से ही गायकी में ज्यादा इंटरेस्ट था और पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगता था। ये कहीं भी अगर मोहम्मद रफी साहब के गाने सुन लेते थे तो वहां से हटते नहीं थे और घंटों तल्लीनता से उसे सुनते रहते थे और उन गानों को दोहराया करते थे। पत्थर के सनम तुझे हमने महापत। मोहम्मद अजीज के परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए एक तो ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और दूसरी बात ये कि इन्हें भी घर खर्च चलाने में परिवार की मदद करनी पड़ी। मोहम्मद अजीज थोड़े बड़े हुए तो किसी के जरिए इन्हें कोलकाता के रेस्टोरेंट गालिब में गाने के लिए ऑफर मिला और ये वहाँ मोहम्मद रफी के गीतों को गाने लगे। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। वहाँ आने वाले लोगों को इनकी गायकी पसंद आने लगी और धीरे धीरे इन्हें वहाँ बख्शीश भी मिलने लगी। इससे अजीज में कॉन्फिडेंस आने लगा और ये खुलकर वहाँ गाने लगे। बताते हैं कि करीब 2 दशक तक इसी तरह रेस्टोरेंट में ही गाकर मोहम्मद अजीज का गुजारा चलता रहा, लेकिन अब तक शायद माँ सरस्वती को भी ये लगने लगा था कि सच्चे दिल से संगीत की साधना करने वाले इस कलाकार को बड़ा मंच मिलना चाहिए। इस बीच 1980 में रफी साहब का निधन हो गया और मोहम्मद अजीज इस खबर से बेहद दुखी रहने लगे।
क्योंकि एकलव्य की तरह सीखने वाले इस शिष्य को ऐसा लगा कि अब ये अपने गुरु से कभी मिल नहीं पाएंगे, ना ही ये बता पाएंगे कि ये उनके कितने बड़े फैन हैं। खैर, इस रेस्टोरेंट में गाना गाते गाते ये अब तक कोलकाता के एलीट क्लास में काफी पॉपुलर हो गए थे। तमाम फिल्म निर्माता भी कोलकाता के इस गालिब रेस्टोरेंट में आते रहते थे। ऐसे ही एक दिन एक बंगाली फिल्म मेकर यहाँ आए और उनको अजीज की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म ज्योति में इन्हें एक गाना गाने का मौका दे दिया। इस तरह साल 1984 में आई बंगाली फिल्म ज्योति से इन्हें फिल्मों में गाने का ब्रेक मिला और इस गाने की कामयाबी के बाद एक सिंगर के तौर पर करियर बनाने के लिए इन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। फिर अजीज ने अपने अब्बू अम्मी से 2 साल का वक्त मांगा और मुंबई पहुंच गए। मोहम्मद अजीज अपने साथ जो थोड़े बहुत पैसे लाए थे उससे एक सस्ता सा कमरा लिया और यहीं रेंट पर रहने लगे। वो अलग अलग स्टूडियो के चक्कर काटते और डेली ये कोशिश किया करते कि कहीं छोटा मोटा काम ही मिल जाए। लेकिन माया नगरी में काम मिलना इतना आसान नहीं था, तो ये जहाँ भी जाते इन्हें निराशा ही हाथ लगती। यहाँ तक कि ज्यादातर स्टूडियो में तो इनका हुलिया देखकर बाहर से ही भगा दिया जाता। अजीज एक गरीब परिवार से आते थे और कद काठी भी बेहद सामान्य थी। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। बहुत ही स्ट्रगल, बड़ी जद्दोजहद, क्या क्या तकलीफें मैं बता नहीं सकता हूँ। किसी के यहाँ जाओ, बराबर रिस्पांस नहीं मिलता है। गाना सुन के वाह-वाह करते हैं, फिर कहते हैं नेक्स्ट वीक आते रहना। इसी दौरान आफताब पिक्चर्स के मालिक सलीम अख्तर के बड़े भाई के जरिए उनसे अजीज की मुलाकात हो गई और उन्होंने कुछ दिन बाद म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक से इनको मिलवाया। हालांकि तब वो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे, लेकिन उनके म्यूजिशियन पिता की वजह से लोग उनको पहचानते थे। धीरे धीरे मोहम्मद अजीज और अनु मलिक की भी ठीक ठाक जान पहचान हो गई और अजीज उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। होता ये कि अनु मलिक इनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग करा लेते और फिर उसे बनाकर तैयार करते जिसे बड़े सिंगर्स गाते थे। और फिर मुझे एक म्यूजिशियंस ने ले जाकर उषा खन्ना जी से मिलवाया। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, उन्होंने मुझे कई फिल्मों में गाने गवाए 83 में, और फिर उन्होंने एक दो जगह मुझे भेजा भी, प्यारे लाल जी के यहाँ भेजा। इसी दौरान इन्हें साल 1985 में अंबर फिल्म में एक गाना गाने का मौका मिला, लेकिन इसे खास नोटिस नहीं किया गया। तेरी राह में एक दीपक जलाकर। इसी बीच अनु मलिक ने इन्हें एक बड़ा ब्रेक दे दिया और मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग इनसे रिकॉर्ड कराया गया। ए मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा। बड़ी बात ये कि ये गाना अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था और बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। पतरे की है मोटर कार, जानवर सी नहीं। मोहम्मद अजीज की तो जैसे मुरीद ही पूरी हो गई। इन्होंने ऊपर वाले को दिल से शुक्रिया किया और घर वालों को तार भेजकर अपनी खुशी का इजहार भी। इसके बाद तो इनकी आवाज को बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी नोटिस किया। इसी साल आई फिल्म आखिर क्यों में इनसे एक गाना गवाया गया। एक अंधेरा, लाख सितारे। राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये कर्ण प्रिय गीत जैसे हमेशा के लिए अमर हो गया, जिसे अजीज ने भारी दर्द और उदासी का पुट देकर मार्मिक अंदाज में गाया था। सबसे बड़ी सौगात है जीवन। इसके बाद तो जैसे मोहम्मद अजीज के लिए सभी फिल्म मेकर्स ने लाइन लगा दी। एक लड़की जिसका नाम मोहब्बत, वो तू है। एक के बाद एक हिट गाने, खूब शोहरत, दौलत और ढेर सारा काम। देखते ही देखते मोहम्मद अजीज की किस्मत चमक गई। जब हम नहीं होंगे तुम्हें हम याद आएंगे चौखट पे।
हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल रफी साहब की तरह ही गाते थे, लेकिन हाँ, इनकी आवाज रफी साहब से काफी मिलती जुलती थी और उनके निधन के बाद ये तब के बॉलीवुड में मेलोडियस सॉन्ग्स गाने वाले सबसे बड़े गायक बनकर उभरे थे। इन्होंने तब अपने दौर के सभी बड़े स्टार्स के लिए प्लेबैक किया और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर जैसे छा गए। इनमें अमिताभ बच्चन से लेकर दिलीप कुमार तक शामिल रहे। तो वहीं गोविंदा के लिए तो इन्होंने इतने गाने गाए कि उनकी आवाज ही बन गए। तब नए नए आए शाहरुख खान और सलमान खान के लिए भी मोहम्मद अजीज ने ढेरों गाने गाए। भंगड़ा पाले आजा आजा, बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की। तो वहीं जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर आदि तब के तमाम बड़े स्टार्स अपने लिए सिर्फ इन्हीं से गाना गवाना चाहते थे। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का। कुल मिलाकर अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और सन्नी देओल जैसे सुपरस्टार्स को उनके करियर के सबसे हिट गाने इन्होंने ही दिए। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। तो वहीं संगीतकारों की बात करें तो मोहम्मद अजीज, नौशाद साहब से लेकर कल्याण जी, आनंद जी, ये सब की पसंद बन गए। इन्हें शुरुआत में सबसे ज्यादा मौके संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने दी थी और इनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्होंने ही अजीज से आगे भी सबसे ज्यादा गाने गवाए। तो वहीं कहा जाता है कि ये अपने पीढ़ी के गायकों में सबसे टफ सॉन्ग्स गाने वाले सिंगर्स में शुमार रहे। सारे शिकवे गिले एक बार जहां आरडी बर्मन साहब ने इन्हें उच्चारण ठीक ना होना वजह बताकर गवाने से इनकार कर दिया था, उसी बर्मन साहब ने बाद में इनसे खूब गाने रिकॉर्ड कराए क्योंकि उनकी पत्नी दिग्गज गायिका आशा भोसले इनकी आवाज को बेहद पसंद करती थी। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद। लता मंगेशकर हो या आशा भोसले, सुनिधि चौहान हो या श्रेया घोषाल, अजीज साहब की गायकी की हर कोई तारीफ करता, तो सबके साथ ये डुएट भी गाते। फूल गुलाब का लाखों में हजारों में। इन्होंने सूफी सॉन्ग्स भी खूब गाए और ढेरों भजन, तुलसीदास की चौपाइयां, कबीर दास के दोहे और हनुमान चालीसा सबको अपनी मिठास भरी आवाज दी। ओम श्री हनुमते नमो नमः। ओम श्री हरि। जीवन के रास्ते में जीत उनकी जो चलते हैं, हिम्मत से ही, मेहनत से ही। जय हनुमान नाम के लोकप्रिय टीवी सीरियल का टाइटल सॉन्ग भी मोहम्मद अजीज ने ही गाया जो बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। वही रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में भी कई जगह इनकी मधुर आवाज सुनने को मिली थी। कुल मिलाकर 80 और 90 के दशक में गायकी का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र रहा जो अजीज साहब से छूटा हो। तब संगीत की दुनिया में मोहम्मद अजीज को लोग मोहम्मद रफी के उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगे और कई लोगों को तो ये गलत फहमी हो गई थी कि ये रफी साहब के बेटे हैं या शिष्य हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। बताते हैं कि तब अनवर साहब और शब्बीर कुमार को वो कामयाबी नहीं मिली जो 80 के दशक में मोहम्मद अजीज साहब को रफी साहब के बाद नसीब हुई, और अजीज साहब स्टेज शो में भी रफी साहब के गानों को खूब गाया करते थे। आते, 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 तेरी याद आ गई, जाते, जाते।
मोहम्मद अजीज ने फिल्म क्रोध में अपने गुरु मोहम्मद रफी को अपने एक गीत के जरिए श्रद्धांजलि दी, जो अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया और खूब पसंद किया गया। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। 1985 से 90 के बीच में मोहम्मद अजीज की गायकी का जादू पूरे उफान पर था और कई क्रिटिक्स ने तो इन्हें सिंगर ऑफ डिकेड का खिताब तक दे डाला। लेकिन 90s आते आते मोहम्मद अजीज का सितारा ढलने लगा। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ इनके हाथों से फिसलता दिखने लगा। 90 के दशक की शुरुआत में अजीज साहब को अचानक गाने मिलने कम हो गए। शायद इनकी किस्मत के सूरज के डूबने का वक्त आ चुका था। जानकार बताते हैं कि मोहम्मद अजीज बेहद विनम्र और सीधे साधे शख्स थे और हिंदी सिनेमा की गुटबाजी और राजनीति से दूर रहते थे। जो भी काम मिलता उसे पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करते थे और फिर सीधे अपने घर चले जाते थे। लेकिन अब रफी साहब वाला वक्त नहीं रहा था, बल्कि बहुत कुछ बदल चुका था। इसलिए किसी ऐसे सीधे व्यक्ति के लिए फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए ये काफी नहीं था। अजीज साहब के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स ये भी दावा करते हैं कि गुटबाजी के साथ साथ इसके पीछे कुछ और भी वजहें रहीं। जैसे जब आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई तो उसने एक नए अंदाज की गायकी और म्यूजिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हम। ये वो दौर रहा जब म्यूजिक इंडस्ट्री में उदित नारायण और कुमार सानू ने एंट्री ली थी और उनकी गायकी का अलग अंदाज लोगों को बेहद पसंद आने लगा था। साथ ही तब बिल्कुल अलहदा संगीत तैयार होने लगा, जिसमें नदीम श्रवण और जतिन ललित का नाम सबसे ऊपर था। इन संगीतकारों ने बेहद कम वक्त में फिल्मी संगीत पर कब्जा कर लिया और अपने टेस्ट के हिसाब से नए सिंगर्स से गाने गवाने लगे। इन कंपोजर्स ने पुराने गायकों को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और देखते ही देखते मोहम्मद अजीज और इनके समकालीन सिंगर्स घर बैठ गए। तब मॉडर्न गाने बनने लगे थे, ट्रेंड चेंज हो चुका था और इन संगीतकारों को ऐसा लगता था कि मोहम्मद अजीज जैसे गायकों की आवाज इसमें सूट नहीं करती। लेकिन दुखद ये रहा कि इस सीधे साधे सिंगर्स को तब इनके किए पुराने काम के लिए भी रेस्पेक्ट मिलना बंद हो गया था, क्योंकि बेरहम बॉलीवुड को इनके होने या ना होने से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उस समय ऐसा हो गया कि तब ना तो इन्हें किसी अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता और ना ही वहां इनका जिक्र किया जाता और फिर अचानक इन्हें गाने मिलने पूरी तरह से बंद हो गए। एक अच्छे गायक की लगातार अनदेखी हो रही थी और इस बेरुखी और उपेक्षा ने अजीज साहब को अंदर तक तोड़ दिया। कुछ हद तक वजह ये रही कि इन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले या किशोर कुमार आदि पुराने सिंगर्स की तरह इंडस्ट्री पर अपनी पैठ नहीं बनाई और न ही संगीतकारों के साथ किसी ग्रुप का हिस्सा रहे। कुछ रिकॉर्ड्स ये दावा करते हैं कि मोहम्मद अजीज ने 20,000 से भी ज्यादा गाने गाए। मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड मिला मुझे, प्रेसिडेंट ज्ञानी दयाल सिंह जी के हाथ से मैंने अवार्ड लिया है। हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं तकरीबन मैंने सभी भाषाओं में गाने गाए और लगभग 20,000 गाने। हो सकता है किसी को यकीन नहीं हो, तो कोई अगर मुझे चैलेंज करे तो मैं प्रूफ दे सकता हूं। वो मुझे क्या सोचते पता नहीं, लेकिन मेरा उनका कम्युनिकेशन गैप है। अजीज साहब का ये दर्द बार बार जुमा पर आ जाता था। कई इंटरव्यू में ये कहते थे कि मैं एक से एक हिट गाने दे रहा था, लेकिन मैं कब घर बैठ गया मुझे खुद पता नहीं चला। चूंकि मैं गाने वाला आदमी हूँ तो मैं हर वक्त इसी इंतजार में हूँ कि कोई भी मुझे कभी बुलाए मैं जाके गाऊंगा। यही सोचते सोचते वर्षों बीत गए। अजीज साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि लोग रफी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार, लता जी को तो याद करते हैं पर मुझे नहीं। जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है हमारी जनता की। मैंने लता जी के साथ गाते वक्त भी कई दफा जो उनके मुंह से वाह निकली है वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है।
2017 में इन्होंने एक वीडियो बनाया और उसमें करण जौहर को एक बेवकूफ आदमी कह डाला। दरअसल करण जौहर ने अपनी एक फिल्म ए दिल है मुश्किल में मोहम्मद रफी का मजाक उड़ाया था, जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा कहती हैं कि मोहम्मद रफी गाते कम हैं और रोते ज्यादा हैं। इससे मोहम्मद अजीज काफी आहत हुए और करण जौहर का बायकॉट करते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारी कोई फिल्म नहीं देखूंगा। मैं वादा करता हूँ, हालांकि मुझे पता है मैं आपकी पिक्चर नहीं देखूंगा, एक आदमी तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि अब मैं करण जौहर की कोई भी फिल्म नहीं देखूंगा। खैर, भले ही बॉलीवुड में इनकी बेकदरी हो रही थी, लेकिन तब अजीज साहब खामोश रहे थे, लेकिन हाँ, तब भी इनके कद्रदान कम नहीं थे और दुनिया भर से इनको स्टेज शो के लिए हमेशा बुलावे आते रहे और लाइव शोज में इनका जलवा कायम रहा। November 27, 2018 को अजीज साहब कोलकाता से मुंबई आए थे। फ्लाइट से उतरने के बाद जब ये टैक्सी में बैठे तो इन्हें अपनी तबीयत खराब सी महसूस हुई, फिर ये अचानक बेहोश हो गए। आनन फानन में इन्हें नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर इनकी जान नहीं बचा सके और कार्डियक अरेस्ट के चलते अजीज साहब का निधन हो गया। तब इनकी उम्र 64 साल थी और इसी के साथ सिनेमा और संगीत की दुनिया का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। दूर दुनिया से चला मेरी सीधा सच्चा इंसान था, फकीर था, तबीयतन फकीर था, कोई शोबाजी नहीं थी, कोई शो ऑफ नहीं था। यहाँ वो दफन होना चाह रहे थे जहाँ रफी साहब हैं, हालांकि उनके घर के पास भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें रफी साहब के पास ही दफनाया जाए। लेकिन विडंबना देखिए कि जिन दिग्गजों को इन्होंने अपनी मधुर आवाज दी थी और उनके हिट होने में भी अहम भूमिका निभाई थी, उनमें से कोई भी ना तो इनके अंतिम संस्कार में पहुंचा और ना ही शोक सभा में शामिल हुआ। मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। अजीज साहब की मौत के बाद अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट तक नहीं आया, जिससे इनके चाहने वालों में बहुत नाराजगी रही, क्योंकि मोहम्मद रफी के निधन के बाद मोहम्मद अजीज को अमिताभ बच्चन की आवाज माना जाता था और उनके लिए इस गायक ने दर्जनों गाने गाए थे, पर अफसोस बहुत जल्द सब कुछ भुला दिया गया था। So that was, I realized कि हाँ, actually खुदा गवाह के बाद उनका काम खत्म हो गया। ठीक है, कुमार शानू जी आगे थे, उदित नारायण जी, तो इनको घर पे क्यों बिठा दिया। बता दें कि अब इस सितारे की संगीत की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं इनकी बेटी अजीज सना, और वो भी एक बेहतरीन सिंगर हैं। कुछ ऐसा कर कमाल के तेरी हो जाऊं। मोहम्मद अजीज ने हिंदी के अलावा बांग्ला, उड़िया और कई रीजनल भाषाओं में भी ढेरों गाने गाए। मन भर जाए देखे घूम घूम फूले भरा बो। इंडस्ट्री से थोड़ा सम्मान पाने और अच्छे गाने बनाने की आरजू लिए ये संगीत का पुजारी इस दुनिया से चला गया। लोग कहते हैं हम अपनी इस बायोग्राफी के जरिए मोहम्मद अजीज साहब की शख्सियत और इनके काम को सलाम करते हैं, साथ ही तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। तो दोस्तों, आपको मोहम्मद अजीज का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो YouTube के थैंक्स बटन के जरिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। लोगों का देखा तो मैं अपना भूल गया। पतझड़ सावन बसंत बहार।